कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल सिरसा आ रहे हैं सुबह नौ बजे के लगभग एयरपोर्ट पे उतरेंगे हेलीकॉप्टर से उसके बाद सत्संग में जाएंगे ब्यास का सत्संग है राधा स्वामी जी का वहाँ पर करीबन बारह साढ़े बारह बजे तक रुकेंगे उसके बाद सिरसा शहर का एक दौरा करेंगे जो सिरसा शहर की कुछ समस्याएँ हैं उनको दूर कर कर कल जाएंगे पहले सबसे पहले तो जो सात सौ पचास घर ठेठ से उजाड़े गए थे जो फ्लैटों में रह रहे हैं बड़ी नर्क की जिंदगी में जी रहे हैं उनसे मिलेंगे और उनको प्लाट देने की बात करेंगे प्लाट देने की घोषणा करेंगे और साथ साथ में भी आज उनसे सभी से ये मीटिंग हुई है प्रशासन की कि प्लाट के साथ साथ उनको बना दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है तो इस बारे में विचार किया जाएगा और ये मांग भी रखेंगे कल मुख्यमंत्री जी से कि प्लाट के साथ साथ ये बनाकर मिले इनको क्योंकि ये बात हुई थी कि इनको जब उजाड़ा जाएगा तो इनको प्लाट के साथ मकान बनाकर दिया जाएगा तो ये बात हम मुख्यमंत्री जी के आगे कल रखेंगे उसके बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत में है हमारी ऑटो मार्केट काफ़ी सालों से और मेरी ख्याल लगा हरियाणा की लगभग सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है वो भी कल वहाँ जाकर मौके पे उस समस्या को दूर करेंगे उसके बाद किसानों से मिलेंगे मंडी में जाएंगे और जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनना है जल्दी उसका नीम पत्थर रखेंगे तो कल उस भूमि को भी देखने जाएंगे एक रेड क्रॉस में जाएंगे कई जगह का प्रोग्राम है कल सिरसा का दौरा ही है और उसके बाद चार बजे यहाँ से रवाना होंगे कुछ डिमांड भी की जाएगी सी साहब से काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं देखिए सिरसा में जब सीएम आता है तो कुछ ना कुछ देख ही जाता है और ये भी बहुत बड़ी सौगात है जैसे अगर ठेढ़वासियों को मकान मिलता है ऑटो मार्केट ठीक होती है और उसके साथ समस्या जो हमारी स्ट्रॉम वाटर की थी वो सीएम साहब ने कर दी है वो मंजूर हो चुका है लगभग चौपन पचपन करोड़ रुपए के लगभग है वो भी हो गया है जिसका टेंडर लग जाएगा बाकी शहर के बाक, काफ़ी काम मेरे पास कमेटी में अब भी आज भी सत्तर पचहत्तर करोड़ रुपये पड़े हैं बहुत पैसे हैं गाँवों में काम चल रहे हैं कोई पैसे की मना नहीं करे खूब काम चल रहे हैं खूब विकास हो रहा है और जब भाई साहब गोविंद कांडा गोपाल कांडा भाई साहब ने कराया है बहुत अच्छा कराया है और खट्टर साहब भी हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं और ये सलारपुर को दूर नहीं है कोई बात नहीं है मैं कुटिया के साथ ही है भाई साहब के साथ ही है हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं भाई साहब और हमारे को गज के प्लाट मकान बना के देंगे भाई साहब और खट्टर साहब आ रहे हैं ये मांग पूरी करने के लिए आ रहे हैं